नमस्कार, जय हिंद। एनबीसी न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं अदिति राठौर आपके साथ। प्रदेश में लोकसभा चुनाव के बाद गहलोत सरकार एक्शन लेती दिखाई देने लगी है। इसी के चलते गहलोत सरकार ने राजस्थान में ई सिगरेट पर प्रतिबंध लगा दिया है। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री ने पूरे प्रदेश में ई सिगरेट के निर्माण, भंडार, वितरण, विज्ञापन और ऑनलाइन या ऑफलाइन तरीके से बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। आखिर सरकार ने क्यों लिया ये फैसला, देखिए एनबीसी न्यूज 24 की ये खास रिपोर्ट। आपको बता दें कि 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी अवसर पर सरकार ने युवा शक्ति में नशे की लत को रोकने के लिए ये कदम उठाया है। ये फैसला मुख्यमंत्री कार्यालय में आयोजित एक बैठक में किया गया है। इस मौके पर गहलोत ने कहा कि उन्होंने चुनाव से पहले युवाओं से जो वादा किया था कि वो युवाओं के लिए कारगर कदम उठाएंगे, इसी के चलते उन्होंने ये फैसला लिया है। वहीं इस मौके पर चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने कहा कि युवाओं को नशे की लत से दूर करने के लिए ई सिगरेट के जरिए भ्रमित कर रहे हैं। इसी के बढ़ते चलन को देखते हुए विशेषज्ञों की टीम गठित की गई थी, जिसने पाया कि ये ई सिगरेट स्वास्थ्य के लिए बहुत ही खतरनाक है। साथ ही इसका दिमाग पर भी बहुत खतरनाक असर होता है। इतना ही नहीं, इसके प्रभाव से हृदय और फेफड़ों को नुकसान पहुंचता है। इस मौके पर उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि इसमें अल्ट्राफाइन पार्टिकल जैसे जहरीले पदार्थ की अधिकता होती है, जिससे इंसान की जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो सकती है। आज अगर युवा पीढ़ी की बात करें तो करीब 70% युवा शक्ति नशे की गिरफ्त में फंसती जा रही है। लेकिन सरकार ने जो युवा शक्ति के लिए कदम उठाया है वो वाकई में तारीफ के काबिल है। फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही। आप देखते रहिए एनबीसी न्यूज 24। नमस्कार।